पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अधिवक्ता साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच मुरादाबाद के तत्वाधान में भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता एवं राष्ट्रीय गान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 198वीं जयंती के अवसर पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर स्मृति काव्य एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बार के महासचिव अभिषेक भटनागर एडवोकेट के चैम्बर पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के वरिष्ठ साहित्यकार विवेक निर्मल एडवोकेट ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के महासचिव अभिषेक भटनागर एडवोकेट रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्य अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अधिवक्ता रचनाकारों ने गुरुदेव की लिखित पंक्तियों के साथ स्वरचित रचनाओं के माध्यम से गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष विवेक निर्मल एडवोकेट ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे गीतांजलि और अन्य लघु कथाओं नाटकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र लेखक हैं जिनके द्वारा लिखित गीत दो देशों के राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में महबूब आलम एडवोकेट, तार वारसी एडवोकेट, शाहिद हुसैन एडवोकेट, अनुराग भटनागर एडवोकेट, दीपक शर्मा एडवोकेट, लक्ष्य एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। और सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में इस देश के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम साहित्यिक क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, श्रद्धेय आदरणीय रविंद्रनाथ ठाकुर जी की आज 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में 158वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने एक सूक्ष्म रूप से एक उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा और इस संबंध में एक हम लोगों ने गोष्ठी भी की और उस गोष्ठी में श्रद्धेय रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका भी यहाँ पाठ किया गया और हमारे इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के सम्मानित महासचिव अभिषेक भटनागर जी हमारे बीच में आज उपस्थित